विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर के कसमांडा ब्लॉक के सुरैचा गांव में स्थित विद्या ज्ञान विद्यालय में वर्चुअल रूप से 21 जिलों में बनने वाले ड्रग वेयर हाउस का शिलान्यास किया, जिसके तहत सीतापुर जिले में भी ड्रग वेयर हाउस का निर्माण के अलावा फतेहपुर, बस्ती, रायबरेली, फरुखाबाद, औरैया, बाराबंकी व वाराणसी में औषधि भंडार केंद्र का शिलान्यास किया। गाजियाबाद, मिर्जापुर, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, सिद्धार्थनगर, बलिया, हापुड़, प्रतापगढ़, मऊ, चित्रकूट व संभल जिले में बनने वाले ड्रग वेयर हाउस का शिलान्यास किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 451 ट्रूनेट मशीनों का लोकार्पण भी किया तथा गोरखपुर व मेरठ में स्थापित LPA लैब का शुभारम्भ किया गया। वहीं जनपदों में स्थापित 25 डिजिटल एक्सरे मशीन का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने डिजिटल तरीके से गोरखपुर में रीजनल RTPMU का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ट्यूबर क्लोसिस का कोई भी बच्चा हो, व्यक्ति हो, इलाज से बचना नहीं चाहिए, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। TB मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही पूरे समाज को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी लोग एक एक TB रोगी की जिम्मेदारी लें और बस इतनी निगरानी करें कि रोगी समय से दवा ले रहा है या नहीं, उसे सरकारी मदद मिल रही है या नहीं, जिससे देश को 2025 तक टीबी मुक्त देश बनाया जा सके। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी KV जैन पांडियन, CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, आइसोलेट कर लीजिए, फिर उनका परिवार का इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, वो आकर के ले चले। हम समय समय पर अपना अभियान भी चलाते हैं और आज TB दिवस होने के नाते आज आपके सामने आदरणीय मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को रखा ताकि सीतापुर में यहाँ के लोग भी अच्छी तरह से जान जाएं हम इस कार्यक्रम को कितना महत्व देते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आए, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने समय निकाल के यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया और सभी माननीय विधायक और माननीय मंत्री जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्सटेंशन ड्रग रेजिस्टेंट TB का पुष्टिकरण किया जाने के बाद इसका उद्घाटन करें। बहुत बहुत आभार मानिए। जनपदों में जिला क्षय रोग केंद्रों में स्थापित 25 डिजिटल एक्सरे मशीन का डिजिटल लोकार्पण किया जाना है। निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें। हेलो, मुख्यमंत्री बार मैं अभी आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 25 ड्रग में 10.82 करोड़ है तथा कुल लागत 270 करोड़ है। आज 21 ड्रग वेयर हाउस का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों से किया जाएगा, जिसकी कुल लागत लगभग 227 करोड़ है और शेष 4 शीघ्र ही प्रारंभ किए जाएंगे। शिलान्यास के लिए अति आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बटन दबाकर कृपया शिलान्यास करें। जाना है उनके नाम इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, CNDS, जल निगम और NPCCM एवं HSCC द्वारा जोरदार तालियों से औषधि भंडार भवन का शिलान्यास। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय। जोरदार तालियां। महाराजगंज से डॉक्टर विवेक प्रकाश श्रीवास्तव जी, विवेक प्रकाश श्रीवास्तव जी। चंदौली से डॉक्टर दीनानाथ मिश्रा जी, 44 नंबर है, 19 आ रहा है, 19 और उन्नाव से डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी। डेटा ऑन है, डेटा एक चल रहा है, एक। माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों से प्रशस्ति पत्र पाकर निश्चित ही इनका उत्साह बढ़। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, जनपद की प्रभारी मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री रामकृष्ण महतो जी, श्री शशांक त्रिवेदी जी, श्री सुरेश राही जी, सुनील वर्मा जी, श्री राम तिवारी जी, श्री महेंद्र सिंह यादव जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य समीर मोहन प्रसाद जी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य जन जागरूकता के इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने वाले सभी उपस्थित महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, आज विश्व क्षय रोग दिवस है। पूरी दुनिया के अंदर ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित बच्चों या नागरिकों को इससे मुक्त करने के अभियान को एक नई गति देने का दिवस। 1882 में पहली बार ट्यूबरकुलोसिस के विषाणु की पहचान हुई थी, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी अब तक हम दुनिया को इस रोग से मुक्त नहीं कर पाए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के सामने दिमाग से रखा कि क्यों न 2030 तक इस दुनिया को ट्यूबरकुलोसिस से मुक्त किया जाए। दुनिया के सामने हम मानवता को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्त कर सके, इस समय समय पर लक्ष्य रखा गया। आप याद करिए, पिछले दशक के अंदर दुनिया ने पोलियो पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त किया है। ट्यूबरकुलोसिस पर भी पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक अभियान पूरी दुनिया के अंदर प्रारंभ हुआ है, उसे हम समय से पहले प्राप्त कर सके, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवासियों के सामने भी एक लक्ष्य रखा कि दुनिया इसे प्राप्त करने के लिए 2030 तक का समय नहीं है, और एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। क्या यह संभव है कि हम भारत के अंदर 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त कर सके, और इसलिए एक अभियान प्रारंभ हुआ है। इस अभियान में हम लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश में भी 2020 की तुलना में 2021 में मरीजों की संख्या कम होती हुई दिखाई दी, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो सबसे बड़ी बात है वह समयबद्ध ढंग से उपचार की व्यवस्था। यद्यपि किसी भी व्यक्ति की नियमित और संयमित दिनचर्या उसे तमाम प्रकार की बीमारियों से सकती है, और खासतौर पर पिछले वर्षों से क्या परिणाम दिए हैं देश के सामने और दुनिया के सामने, तो यह सामूहिकता की उस ताकत का परिणाम है। स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है, तुम्हारे प्रशासन को भी, पुलिस को भी, शिक्षा विभाग को भी, ग्राम विकास और पंचायती राज को भी, नगर विकास को भी, सभी संबंधित विभागों को एकजुट होकर के स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जब हम सामूहिक प्रयास करेंगे तो उसके परिणाम उतने ही बेहतर और उतने सकारात्मक हम सबके सामने आते हुए दिखाई देंगे। ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ अभियान हमारा उसी का अभियान, उसी के लिए अभियान है कि प्रधानमंत्री जी ने 2025 का लक्ष्य दिया है, 2025 के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक साथ सामूहिक रूप से प्रयास प्रारंभ करना होगा, और इसीलिए आज राजधानी लखनऊ से सीधे सीतापुर आया हूं।
सीतापुर में इसलिए मुझे याद है जब प्रधानमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश के अंदर देना हमारे सामने लक्ष्य था प्रदेश के अंदर कि हमें 12 लाख 14 लाख आवास उपलब्ध कराने हैं और 14 लाख में से 70,000 आवास अकेले सीतापुर जनपद को हम लोगों ने दिए थे। सीतापुर जनपद को 70,000 आवास देने का मतलब क्या था कि सीतापुर जनपद में कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और गरीबी होगी तो स्वाभाविक रूप से संसाधनों के अभाव में तमाम प्रकार की बीमारियां भी वहां पर अपना घर बना रही होगी। उन स्थितियों में हमें कहीं ना कहीं उसके प्रति सचेत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। लगातार जो प्रयास प्रारंभ हुए उस परिणाम का राजधानी लखनऊ से सटा हुआ जनपद है, लेकिन कौन से ऐसे कारक हैं कि जहां पर हम आज भी बुनियादी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने में जिनके कारण एक आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊपर करने में मदद मिलती है। और इसीलिए हम लोगों ने आज जब विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है तो इसीलिए नहीं थी कि सीतापुर जनपद में अगर कहीं भी कोई ऐसा स्थल है हम उस स्थल को चिन्हित करें, उन लोगों को चिन्हित करें। बीमारी अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उस व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके प्रति एक सहानुभूति व्यक्त करते हुए उसे शासन की योजनाओं के साथ जोड़ देना। आज के दिन पर शासन की योजनाओं की कमी नहीं है, प्रदेश केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने व्यापक पैमाने पर संसाधन उपलब्ध कराए हैं। टीबी की बीमारी का उपचार एकदम मुक्त है, रोगी अगर चिन्हित हो जाए सबसे पहली शर्त यह कि दवा प्रारंभ करने के बाद उसमें निरंतरता रहनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। अगर 300 दिन का कोर्स है और उसने 100 दिन तक दवा ली फिर बीच में छोड़ दिया तो ये 100 दिन भी मिट्टी में मिल जाएंगे, इसका भी कोई मतलब नहीं है, बीमारी दूसरे रूप में फिर आ जाएगी। इसलिए उपचार में निरंतरता और नियमित और संयमित दिनचर्या के साथ ही प्रदेश केंद्र सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े हुए प्रत्येक मरीज को जिसे चिन्हित करके उपचार के लिए चिन्हित कर दिया गया उसको किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हर महीने 500 रुपये भी उस व्यक्ति को उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे आवश्यक कोई भी इस प्रकार की पौष्टिक आहार उसे देना हो तो उसके लिए 500 रुपये अतिरिक्त यानी दवा भी फ्री है और 500 रुपये भी जब तक उपचार चलेगा पर ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त नहीं हो जाएगा 500 रुपये उस परिवार उस व्यक्ति को हर महीने प्राप्त होते रहेंगे। याद रखना ये व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, ये पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। कोई समाज तब तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक उस समाज में सर्वत्र खुशहाली न हो। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य में से 2 लोग कमा रहे हैं, उस परिवार की कोई व्यवस्था उनको लोगों पर चल देती है, लेकिन परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है और वह परिवार अगर सामूहिक रूप से नहीं है, एकजुट एक स्वर से किसी कार्य को नहीं कर सकता है, परिवार भाव उन लोगों के बीच में ही है, कोई बीमार है, कोई शराबी है, कोई जुआरी है और परिवार में अशांति है तो वह परिवार कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। याद रखना कि परिवार की खुशहाली अगर एक व्यक्ति की उच्छृंखलता से, एक व्यक्ति की लापरवाही से, एक व्यक्ति की नादानी से अगर परिवार की शांति भंग हो सकती है, याद रखना यह स्थिति समाज के अंदर भी निर्भर करती है। समाज में अगर कहीं बीमारी है, कहीं कोई अव्यवस्था है, कहीं पर कोई कमजोरी है, उस कमजोरी का निदान निकालना, उस कमजोरी का समाधान निकालना, उसके परिवारजन के लिए उस प्रकार की व्यवस्थाएं करना, ये समाज की काफी नैतिक दायित्व बनता है।
और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी होती है। क्या पता आज हमें 451 ट्रूनेट मशीन प्रदेश के अंदर एक साथ मुकाबले की है, उस डिजिटल एक्सरे मशीन भी हम लोगों ने तमाम जनपदों को उपलब्ध करवाई है। ये डिजिटल एक्सरे मशीन लंग्स पर ट्यूबरक्लोसिस का क्या प्रभाव पड़ा है यह जानने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। आधुनिक तकनीक पर आधारित ये मशीनें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और ट्रूनेट मशीन मुझे याद है जब विगत वर्ष कोरोना आया था आरटीपीसीआर की लैब हमारे पास नहीं थी, हम लोगों ने उस समय हर एक जनपद को और प्रत्येक हॉस्पिटल को एक ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराई थी। कोरोना जांच में भी ये मशीन उतनी प्रभावी थी और उसने हमें बहुत मदद की उस समय कोरोना को नियंत्रण करने में, कोरोना के उपचार करने में और कोरोना मरीज को समय पे हॉस्पिटल पहुंचाने में। आज मुझे प्रसन्नता है कि ट्रूनेट मशीन 451 एक साथ प्रदेश के अलग अलग हॉस्पिटल को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके माध्यम से अब हम लोग ट्यूबरक्लोसिस की जांच कर सकेंगे और उसके माध्यम से मरीज को चिन्हित करके फिर उसके उपचार की व्यवस्था भी हम कर सकेंगे। आज एक साथ प्रदेश के 21 जनपदों में हम लोग औषधि भंडारण गृह पर निर्माण करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में हमारे प्रदेश में तमाम ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे वैक्सीनेशन इस समय कोरोना का चला है। कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन लगाने में सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसमें कोल्ड चेन को मेंटेन करना पड़ता है। ये कोल्ड चेन जहां पर वैक्सीन के लिए जितना टेम्परेचर निर्धारित है, हम उस टेम्परेचर में ही उस वैक्सीन को वहां पर लेके जाएंगे और जब तक उस व्यक्ति को नहीं लगा पाएंगे तब तक, इसलिए सेंटर स्थापित किए गए हैं वैक्सीन लगाने के सेंटर, जिससे कोल्ड चेन मेंटेन रहे और उस दौरान हम उस वैक्सीन को बेहतर तरीके से उस मरीज तक या उस व्यक्ति को लगा सके जिसके लिए है। ये औषधि भंडारण गृह के पीछे का उद्देश्य यही है कि दवाओं को हम एक जगह सुरक्षित रख सके। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या मेडिकल कॉलेजेस है, इसमें जितने भी हमारे जो भी पेशेंट आता है उनको जो भी सरकार के द्वारा उन्होंने दवाइयां ये फ्री में मुझे पेशेंट को उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन अगर हमारे पास इनको रखने के स्टोरेज क्षमता ही नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए निर्धारित टेम्परेचर को बनाए रखना है, वहां पर उस प्रकार का वातावरण बनाए रखना है जिससे लंबे समय पर उस दवा को सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सके। आज प्रदेश के अंदर 21 जनपदों में हम ये सुविधा भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं, यानी एक साथ तमाम प्रकार की सुविधाएं। ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ अभियान भी है, स्वास्थ्य जन जागरूकता का अभियान भी है और इसके साथ ही आने वाले समय में स्वास्थ्य के प्रति प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अच्छी और गुणवत्ता युक्त औषधि उसे समय पर उपलब्ध हो सके यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई का आज प्रदेश के अंदर शिलान्यास भी हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी सीतापुर वासियों को, प्रदेश वासियों को इस बात के लिए हृदय से बधाई देता हूँ कि प्रदेश ने अब तक कोरोना पर बेहतर नियंत्रण किया है, लेकिन अभी हमें एक बार फिर से सावधान होना होगा। आज एक अच्छी खुशखबरी है, भारत सरकार ने तय किया है कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को भी वैक्सीन लगेगा, कोरोना वैक्सीन लगेगा। मेरा आप सबसे अपील है और जिला प्रशासन से मैं इस बारे में कहूंगा कि जनपद के अंदर हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए हैं और पहले से ही वहां सेंटर में तय कर दिया कि कितना वैक्सीन वहां गया है, उतने लोगों को उस सेंटर में पहुंचाने की व्यवस्था करना है। लेकिन वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो गए हैं, वैक्सीन का मतलब ये हमें और भी सावधान होकर के कार्य करने के लिए प्रेरित करे। हम देख रहे थे वैक्सीन जैसे आना प्रारंभ हुआ लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ जैसे प्रारंभ हो गए और फिर इसका परिणाम क्या है, महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, केरल के अंदर, कर्नाटक के अंदर एक बार फिर से
कोरोना की चपेट में हजारों की संख्या में लोग आने प्रारंभ हो गए और देखा देखी पर्व और त्योहार के लिए पंचायत चुनाव को देखते हुए जो लोग उन प्रदेशों से यहाँ आ रहे वे भी संक्रमित होकर के आ रहे हैं। जांच की व्यवस्था की गई है लेकिन उस सबके बावजूद थोड़ी सी लापरवाही भारी नुकसान पहुंचा सकता है और मेरी अपील होगी कि सावधानी हमें हमेशा भी रखना पड़ेगा कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, वैक्सीन आया है, वैक्सीन की अपनी क्षमता होती है और वैक्सीन भी या उससे भी यार आपने वैक्सीन लगा दिया तो आप ठीक हो गए, एंटीबॉडी आने में समय लगेगा लेकिन सावधानी उसके लिए आवश्यक है और उस सावधानी बरतने के लिए हमें सभी तत्पर रहना पड़ेगा और इसीलिए भी आप सबसे अपील होगी कि प्योर प्रोसेस के खिलाफ यह अभियान चलाएंगे। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी बीमारी हो केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले इस अभियान का हिस्सा बने और उस अभियान का हिस्सा बनकर के हर प्रकार की बीमारियों को पूरी तरह बीमारियों से अपने समाज को मुक्त करने के इस अभियान का हिस्सा बनकर के एक स्वस्थ और समग्र भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। इसमें खासतौर पर कोरोना के प्रति सावधानी और सतर्कता के साथ ही मेरी अपील होगी हर एक तबके के लोगों से, हमारे यहाँ पर मंच पर जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ये लोग अपने क्षेत्र की विकास की समस्याओं को रखते हैं, निरंतर इसके प्रति आम आदमी को जागरूक भी करते हैं। अगर जनपद के अंदर जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हो, संसद के सदस्य हो, ये सभी जनप्रतिनिधि जितने भी हमारे प्रशासनिक या शासकीय कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी पुलिस के कर्मी ये जितने भी हैं सभी लोग शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, ग्राम विकास के, पंचायती राज के, नगर विकास के, अलग अलग विभाग के शासकीय विभागों से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी जागरूक हो जाए और हर कर्मचारी हर जनप्रतिनिधि ट्यूबर क्लोसिस के एक एक बच्चे को गोद में ले ले, उसको बोलते उसे अपने पास से कुछ नहीं देना, उसको केवल एक व्यवस्था सुनिश्चित करनी है कि जिस बच्चे को दुर्भाग्य से टीबी हो गया है या जिस परिवार में किसी सदस्य को टीबी हो गया है और एक व्यक्ति को या उस व्यक्ति को या उस बच्चे को गोद ले, गोद देने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको उसको अपने घर में बुला देना है, नहीं, आपको उसको चिन्हित करना है, केवल महीने में दो बार इस बात को तय कर लेना है कि वह अपनी दवा नियमित रूप से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो शासन के द्वारा निर्धारित फीस है वह समय पर उसको मिला है कि नहीं मिला है, दवा लेने का समय उसका निर्धारित है या नहीं है और 500 रुपये हर महीने जो शासन से अनुमान्य है वह पैसा उसको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम केवल इतनी भर से जानकारी ले लें तो 2025 के पहले हम उत्तर प्रदेश को ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने में सफल हो सकते हैं। आज मैं प्रदेश के अपने सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी प्रशासनिक पुलिस शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से इस बारे में आह्वान करूंगा कि वे इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लें क्योंकि इसमें बहुत बड़ी ताकत है। मुझे याद है 2017 के पहले दिन प्रदेश के अंदर जब प्रदेश में मार्च 2017 में हमारी सरकार बनी थी, मैं एक जनपद में गया था, उस जनपद में मैं बैठक ले रहा था, समीक्षा बैठक ले रहा था और समीक्षा बैठक में बात मेरे सामने आई थी, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बात रखी थी कि हमारे इस जनपद का एक कुछ इस बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल इस बार बच्चे न होने के कारण बंद हो जाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्यों स्कूल बंद हो गए, तो उन्होंने कहा कि बच्चे नहीं है। मैंने कहा जब आपके पास भवन है, आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, तो फिर विद्यालय में क्यों बंद हो गए, कोई बात तो होगी, ये जो बीमारी है बंद होने की वैसे कोई चीज बंद नहीं हो जाती है, कोई लापरवाही तो होगी।
मैंने अलग से बैठक बुलाई, बेसिक जिलाधिकारी को मैंने कहा बैठक से जाइए और उस प्रधानाचार्य को इस बैठक के बाद मेरे पास बुला के लेके आइए। प्रधानाचार्य को मेरे पास बैठक समाप्त होने के बाद प्रधानाचार्य मेरे पास थे, बेसिक जिलाधिकारी नहीं थे। मैंने प्रधानाचार्य से कहा, मैंने कहा आप समय पर विद्यालय जाते हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जब आप जिस समय पर नहीं जाते होंगे तो आपके शिक्षक भी समय पर नहीं जाते होंगे, शिक्षा मित्र भी नहीं जाते होंगे। जब आप समय पर स्वयं विद्यालय नहीं जाते हैं, कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके विद्यालय में बच्चे आएंगे? क्योंकि ये तो जवाबदेही किसी न किसी की सुनिश्चित तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा आपके विद्यालय समय पर जाना प्रारंभ करिए, प्रयास करिए कि तीन शिक्षक हैं और एक प्रधानाचार्य है, तो प्रधानाचार्य विद्यालय में जाए, तीनों शिक्षक गाँव में, तीन ओर से गाँव में प्रत्येक परिवार में दस्तक दें कि अपने बच्चे को स्कूल भेजो। तो मैंने कहा आपके विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ेगी। फिर मैंने कहा मैं भी जानता हूं कि आप समय पे नहीं जाते होंगे तो आपके विद्यालय में भले विद्यालय के आंगन में पेड़ नहीं होंगे लेकिन भवन के ऊपर पेड़ जरूर जम गए होंगे। तो प्रधानाचार्य ने कहा हां, मैंने कहा मैं जानता हूं क्योंकि पेड़ वही जमते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि इनकी दृष्टि नहीं पड़ रही है और ये लापरवाही का उदाहरण है। तो मैंने कहा एक दिन सभी शिक्षक मिलकर उन पेड़ों को वहां से हटाए, अभिभावकों को बुलाए, उनके सामने अपनी पुताई करें, स्वयं झाड़ू लगा करके अपने विद्यालय की सफाई करें। और मैंने कहा देखना गाँव के लोग आपको मदद करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। और मुझे पसंद आया कि एक वर्ष के अंदर वही विद्यालय राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया और उसमें 350 से निकलते आज के दिन हैं। जो विद्यालय बंद हो रहा था उस बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में 350 से अधिक बच्चे पब्लिक स्कूल से नाम कटवाकर उन विद्यालय में लोगों ने आना प्रारंभ किया। ये भाव। और फिर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प में मैंने प्रत्येक जनप्रतिनिधि से कहा था, प्रत्येक प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी से कहा था, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी कहा था, एक एक विद्यालय को बोल दीजिए। उस विद्यालय में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, जितना संभव हो सकता है सामान्य रंगाई पुताई पहले चरण में करके, अपने किसी परिचित, आपके पास साधन नहीं है किसी परिचित को बुला करके उसके माध्यम से थोड़ा सहयोग कर दीजिए, भोजन की व्यवस्था, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग कार्य की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, अगर कोई व्यक्ति अतिरिक्त खर्च कर सकता है उसमें लाइब्रेरी दे दीजिए, स्मार्ट क्लास दे दीजिए। आपने देखा होगा आज जाइए आप बेसिक शिक्षा परिषद की 158,000 विद्यालयों में से 93,000 से अधिक विद्यालयों में ऑपरेशन कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा चुके हैं। ये ताकत समाज की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। सरकार का पैसा इसमें कुछ नहीं कर सकता। सरकार अगर पैसा देती है और बेमान के हाथ में पैसा चला जाएगा क्या करेंगे आप? बाद में कार्रवाई करेंगे आप उसको, बहुत होगा बाद में बर्खास्त करेंगे। उसने एक बार आपके अभियान में बाधा तो पैदा कर ही दी, लेकिन अगर जब समाज खड़ा हो जाता है तो समाज की ताकत बहुत बड़ी ताकत बनती है। और ये ताकत अगर बेसिक शिक्षा परिषद लोग उसे कहते रहे कि बेसिक शिक्षा परिषद अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सुधर जाएगा तो समझो सब सुधर जाएगा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, 5 साल के कार्यक्रम के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय ऐसे होंगे जैसे पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। और आपको पता है कि 4 वर्ष में 1 साल तो केवल कोरोना में ही निकल गया है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 4 वर्ष में 54,00,000 बच्चे पढ़े हैं बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में। ये ताकत है और इस ताकत को पहचाने, प्योर प्रोसेस के खिलाफ हमारी लड़ाई इसी ताकत के बल पर आगे बढ़ेगी। हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासनिक अधिकारी, हर पुलिस का अधिकारी, हर शिक्षा विभाग का अधिकारी और हर कर्मचारी एक एक व्यक्ति को प्योर प्रोसेस से ग्रसित जो भी व्यक्ति हो, बच्चा हो कोई भी हो, उस तक दवा पहुंचाने की व्यवस्था करना और स्वास्थ्य विभाग एक व्यवस्था प्रारंभ में करे, डिजिटल प्लेटफॉर्म इसमें तैयार करे ऐसे लोगों को ट्रेस करने के लिए एक व्यापक अभियान, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करें और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अगर हम लोग इस अभियान को प्रारंभ कर देंगे 2025 के पहले उत्तर प्रदेश
प्योर बसेस से पूरी तरह मुक्त होगा और प्रधानमंत्री जी के टीवी मुक्त भारत के सपने को हम साकार करने में सफल होंगे। मुझे विश्वास है सीतापुर जनपद से प्रारंभ होगा यह अभियान, अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर हम सब एक साथ मिलकर के प्रदेश के उन सभी बच्चों को जो ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित हैं उन्हें टीबी मुक्त करने के इस अभियान का हिस्सा समाज का प्रत्येक जागरण माध्यम बनेगा। आप सबके प्रति मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। होली की मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आज विश्व टीबी दिवस है। आज के दिन ही हमारे यहाँ एक सेंटर बना RTPMO बना हुआ है, रीजनल ट्यूबरक्लोसिस मॉनिटरिंग सेल यहाँ बना हुआ है, जो हमारे 100 बेड टीबी हॉस्पिटल एयरपोर्ट के पास में है, वहाँ स्थापित है। उसका आज मुख्यमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया है। यहाँ से पूरे हम 3 मंडलों का संचालन करेंगे, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल और आजमगढ़ मंडल। तो जितने भी ट्यूबरक्लोसिस के लिए जितने भी प्रोग्राम चलते हैं सबका संचालन हम यहीं से करेंगे, क्योंकि टीबी का उन्मूलन हमें 2025 तक करना है। तो इसी तहत में यहाँ पर सेंटर बना हुआ है जिसे हम बहुत ही अच्छी तरह से मॉनिटरिंग कर सकते हैं।